से आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, कौन सा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है या फिर एडवांस एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है। ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग फ्रेश नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं, फ्रेश नेचुरल हर्ब यूज करते हैं। दूसरे दूसरे कंपनी जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं, मगर फ्रेश नेचुरल प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट। ये तो एक डिफरेंस है। आप कैसे याद रखिएगा द फेम, एफ ए एम ई, ए फॉर फेस, ए फॉर एडवांसमेंट, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वेरी इजी टू रिमेंबर। और आजकल ऐसे भी बहुत सुनने में आया, अच्छा ना इसका ना प्राइस थोड़ा ज्यादा है। देखिए आपको मैं हमेशा बोलता हूं वैल्यू फॉर मनी, आप कैसे करके सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव और नॉट। सबसे पहला बात तो आपको मैं बताता हूं, इसमें आप अगर बॉटल में भी देखते हो, इट्स रिटन हेयर अनफेयरिंग ब्यूटी अनफेयरिंग रेपुटेशन। इसका मतलब है इफ यू आर टिन देन यू विल बी ऑलवेज टिन, इफ यू आर 30 ईयर्स ओल्ड यू विल बी ऑलवेज हैविंग 30 ईयर्स ओल्ड स्किन इफ यू यूज दिस वन। मगर यूज करने का तरीका एंड डायरेक्शंस एंड हाउ इट इज वैल्यू फॉर मनी, व्हाट वी से यूजुअली एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। पहले तो मैं आई क्रीम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आई क्रीम जनरली इतना बड़ा मार्केट में है नहीं। जनरली आई क्रीम होते हैं 15 ml का, आप किसी भी वेबसाइट पे देख लो, जनरली 15 ml टू मैक्सिमम 30 ml, 40 ml का आई क्रीम इज नॉट यूजुअल। इसका मतलब है इस 40 ml का आई क्रीम आपका कितने दिन चलेगा, इफ यू आर यूजिंग डे टाइम एंड डे टाइम मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, जैसे कि आपको बताया अगर दो टाइम आप यूज करते हो हर दिन, देन पर डे आपको 0.5 ग्राम भी नहीं लगेगा, 0.5 ml या फिर 0.5 ग्राम अगर हम लोग सेम बोलते हैं, देन इट विल गो डिवाइडेड 40 / 0.5 एंड हाउ लॉन्ग इट विल गो 80 days अगर आप दो टाइम लगाते हो। अगर आप वन टाइम करते हो 160 days, मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर आपका आई क्रीम चलेगा। मगर इसका बेनिफिट क्या है, देखिए आप एक बार जाके मिरर में देखिए, आप अगर हमारा प्रोग्राम देखते देखते मत देखिए, नेक्स्ट टाइम पे जाके देखिएगा, मिरर पे देखने से आपको पहले ही पता चलेगा कि यहाँ पे डार्क सर्कल होता है। या तो आप कम सोते हैं, पानी कम पीते हैं, या तो आपका डायबिटीज प्री डायबिटीज होने से भी यहाँ पे डार्क सर्कल आता है, या फिर आप नॉर्मल क्रीम यूज करके आ रहे हो बाजार में, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, बहुत सारे क्रीम है। देखिए ज्यादातर क्रीम कैसे बनता है बताता हूँ, आपको क्रीम खरीदने का भी जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू सेव योर मनी, आप जाके बाजार से ग्लिसरीन खरीदिए और कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल किसी भी कंपनी का ले सकते हो, बहुत सारा कंपनीज है, उसको मिक्स कीजिए, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आप मिक्स करोगे देन यू विल गेट द क्रीम, वो भी आप यूज कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग, बट वो आपको चिरो यौवन नहीं रखेगा, इट विल नॉट कीप 30 ईयर्स ऑलवेज। दैट इज व्हाई आवर प्रोडक्ट कम्स इनटू द पिक्चर। आपका अगर डार्क सर्कल है आप एक हफ्ता लगा के देखिए, हियर हियर यूजिंग दिस फिंगर हियर एंड हियर, डेफिनेटली योर आई विल बी वेरी 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 अट्रैक्टिव। आप बताओ मास्क का अभी जमाना है, एवरीबॉडी इज वेयरिंग मास्क, राइट, क्या दिखता है, आंखें पहले दिखते हैं, राइट, आंख में अगर आपका डार्क सर्कल रहेगा पहले बोलेगा अरे ये तो ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, और इसका प्राइस अगर आप देखते हो, मैं डीपी तो नहीं बताऊंगा, डीपी में आप कैलकुलेशन करो, अगर हम लोग एमआरपी में कैलकुलेशन करते हैं तो एमआरपी इज अप्रोक्सीमेटली 2000 rupees। डीपी बहुत कम है, आई नो कितना कम है आपको पता है एज ए मेंबर, सो इन पब्लिक आई एम नॉट सेइंग द डीपी, क्योंकि उसके लिए आपको हमारा लॉग इन करना पड़ेगा वेबसाइट में। वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है जैसे आपको बताया डीपी, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देखो, 160 टाइम्स आप कर रहे हो 2000 rupees में। अच्छा चलिए मैं इसका एक बार डीपी 1400 आप कर रहे हो 160 टाइम्स, दैट इज मिनिमम, आपका 200 टाइम्स भी हो सकता है। तो 200 टाइम्स अगर आप, या फिर मिनिमम ले लेते हैं 160 आप 1400, अब 1600 भी अगर होता है
₹10 होता है पर सर्कल के लिए। ₹10 में आपको पर डे ट्रीटमेंट में, ₹10 में तो एक चाय नहीं होता है, आपको ₹10 में एक चाय भी नहीं मिलेगा। अभी स्टेशन में जाओगे तो 15 से लेके 20 रुपया लेता है, रेलवे स्टेशन का भी बात बोलते हैं। सो उसमें आपका डार्क सर्कल कंप्लीट नहीं निकल रहा है, वेर यू विल गेट दिस मंथ। और आपको बताता हूँ कैसे करके यूज करना है। ज़्यादातर हम लोग जब फेस तो वॉश कर लेते हैं, कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि फेस वॉश ना करके ही क्रीम लगा देते हैं, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आपका क्रीम अंदर जाएगा ना, इट हैज टू बी एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होने के लिए आपको डोर खोलना पड़ेगा, किरण तो आ रहा है सूरज का मगर आप घर में घुसने नहीं दे रहे हो, कैसे करके आएगा। सो सिमिलर वे में इट हैज टू एंटर, एंटर करने के लिए आपको 2-3 चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। आप इसको कितना बार यूज कर रहे हो, 160 टाइम्स। आप अगर खोलने के बाद इफ यू आर पुटिंग योर फिंगर ऐसे करके, देन 160 टाइम्स आप इसी क्रीम को टच कर रहे हो और आपका हाथ नॉर्मली साफ नहीं होता है, 160 टाइम्स आपको बैक्टीरिया वहां पे आप खुद घुसा रहे हो, क्रीम खराब भी हो सकता है। इसीलिए स्पैचुला यूज करो। अगर स्पैचुला नहीं भी है, आप नॉर्मली आप जो है फॉर्क लेके आओ, इसको टच करो, इतना सा लेना, इतना सा लेने के बाद याद रखना, आप यहां से डायरेक्टली लेके आप लगा सकते हो दोनों तरफ, या फिर पुट इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, नेवर पुट हियर। क्यों? कि यहां पे आप डालोगे ना तो ऑल द क्वालिटी ऑफ द क्रीम विल बी एब्जॉर्ब्ड, आपका हाथ के थ्रू ही पूरा क्वालिटी, इसका जो क्वालिटी है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसे यहां पे रख लो, यहां पे स्मूथ है ना, एब्जॉर्बलेस होता है, यहां से लेना ऐसे करके, एंड पुट एंड देन पुट इट हियर। देखो इतना भी बहुत ज्यादा है मेरे आंख के लिए, तो 200 टाइम्स तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। चलो अब मैं इसको, तो मेरा तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, मैं फिर से नहीं लगाऊंगा। ये तो रहा आई क्रीम, सेम चीज। अब आई क्रीम लगाने के पहले मैं बताता हूं, मैं न्यूट्रिशन क्रीम में आ रहा हूं, बट कैसे लगाएं, आपको एक थ्योरी याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, टिन, TEELNL साइलेंट, टी मतलब पहले टोनर, वॉश करने के बाद टोनर लगाने से दरवाजा खुल जाता है। किसका दरवाजा? आपका फेस में जितने सारे सेल्स का जो पोर होते हैं, पोर का छोटे 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 पोर होते हैं, वो पोर का दरवाजा खुल गया। खुलने के बाद सबसे पहले आप आई क्रीम लगा दीजिए, क्योंकि वो वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये लगा दिया, लगाने के बाद ये हमारे छोटे से शीशी में आता है, बॉटल में एसेंस होता है, एसेंस इज एसेंशियल, आप याद रखना, एसेंस इज एसेंशियल। सो ये जो होता है डीप एब्जॉर्ब करता है, एसेंस अगर आप नहीं देते हो, सबसे सेल के बहुत अंदर तक पेनिट्रेशन करता है। ओके, इसका भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, देखिए आपको एसेंस जो है बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे, इवन इंडियन प्रोडक्ट का भी है, बाहर के प्रोडक्ट में ही मिल जाएगा, मगर 50 ml में इस प्राइस में इस क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जो है जनरली आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, मैं देखा हूँ बहुत जगह पे, आप यहाँ पे ना जो सब इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव चीजें होते हैं, ये दोनों चीज कभी भी हाथ का हथेली में मत लेना। यहाँ पे आप लोगे, देखो ये जैसे कैसे रहेगा, और आप अगर इस तरफ लेते हो ना, आपके हाथ इतने स्मूथ नहीं होते हैं, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर। सो पुट इट हियर एंड देन यहां से लेके आप, ओके चलिए वो तो इधर उधर, मेरा हाथ ही हो गया, देखिए कैसे। एसेंस करने के लगाने के बाद अब आता है वक्त उसको, एसेंस को जो है पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए आपको उसको, एसेंस को प्रोटेक्ट करना है, स्किन का प्रोटेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, उसको जो है ना लोशंस के ऊपर तय करते हैं। देखिए लड़के जो है ना बहुत सारे बोलते हैं, अरे इतने तो मैं लगा नहीं सकता हूँ। देख एक्सरसाइज भी सेम है, योगा भी सेम है, अगर अनुशासन और हर दिन का प्रैक्टिस से आप नहीं चलोगे, आपको स्किन तो का, आपके फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं हो सकता है, आपका हेल्दी बॉडी भी नहीं हो सकता है। मिठाई खाने के लिए बहुत जी करता है, किसी अच्छा नहीं लगता है, खाते रहते हैं 40 साल में डायबिटीज होता है कि नहीं। सो अनुशासन करके अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, व्हाई नॉट योर फेस,
इसीलिए प्रोसेस के हिसाब से आप अगर करोगे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लोशन लगाया, लोशन भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बाजार में बहुत सारे क्रीम मिलेंगे, लोशन मिलेंगे, उस वो ग्लिसरीन और ग्लिसरीन स्टेरलाइट्स, और वो एक्चुअली क्या होता है, पेट्रोलियम जेली से ये लोग ये सब एक्सट्रैक्ट होता है। पेट्रोलियम जेली से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके दो एक चीज जो है उसमें नेचुरल प्रोडक्ट मिक्स कर देते हैं, या फिर वो भी नहीं रहता है, इसीलिए उनका प्राइस बहुत चीप होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, मगर वो जो है आप लगाते रहते हो। मैं तो बता रहा था पहले आपको, ग्लिसरीन लेके आओ और नारियल तेल मिक्स करो, आपको एक उसमें भी आपको राहत मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बट वो आपका कोई गारंटी नहीं दे सकता है, या फिर वो फेस का कोई चेंजेस नहीं आ सकता है। वो लगाओगे आपको लगेगा कि चिपचिपा हो गया भाई, सही हो गया, खत्म है, राइट? वो तो पानी देने से भी आपका फेस अच्छा लगता है, बट देन इट विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? सो लोशन, लोशन भी सेम बात है, अगर आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर करोगे तो इट्स सेम। अब देखो लोशन होता है ज्यादातर लिक्विड, आप अगर यहां पे करोगे ना लोशन, क्योंकि लोशन थोड़ा ज्यादा लगता है, आप लोशन को इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, मगर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, टोनर को कभी भी हाथ के पीछे मत लेना, वो पिघल के निकल जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, पहले तो मैं इसको मिक्स कर दिया, आप टोनर को ना इधर लोगे तो ये पिसर जाएगा, आपको गिर रहा है, टोनर को हाथ के पीछे कभी मत लेना, क्योंकि इसमें जो है ना इसका न्यूट्रिएंट्स इतना ज्यादा नहीं होता है टोनर के अंदर, जैसे कि आई क्रीम में होता है या फिर न्यूट्रिशन क्रीम में होता है। तो टोनर को आप हमेशा पंप करके हाथ के हथेली में ही लेना, ठीक है? आज तो मेरा हाथ एकदम भर्ती हो गया पूरा, ठीक है? अब आते हैं, सब यहां तक तो लगा लिया, अब न्यूट्रिशन क्रीम के बारे में बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्रीम का नाम में ही लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। देखिए मैं आपको साइंटिफिक बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं देने वाला हूँ, सिंपल इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर। तो न्यूट्रिशन क्रीम जो होता है आप उसको एंड में देके खत्म कर देते हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, आप मॉर्निंग में लगाओ या ना लगाओ, इवनिंग में सोने के पहले, स्पेशली बिफोर द बेड आप अगर लगाते हो, और ऐसे करके मत सोना, अपसाइड डाउन करके फेस मत सोना प्लीज, क्योंकि आपके फेस में जो है जो भी लगेगा वो निकल के चला जाएगा। सो रात में जब आप सोते हो इट वॉक्स मच लॉन्गर, क्योंकि 6-7 घंटे तो वैसे ही रहते हो, एंड देन वहाँ पे सनलाइट भी नहीं आता है सोते वक्त। सो रात को आप जरूर लगा के सोना। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है, एक दोस्त मुझे मिला कुछ दिन पहले, वो बोल रहे थे कि अच्छा रात को क्रीम क्यों लगाए, दिन में लगाते हैं। मैं बोला कि देखिए आप रात को सोते हो, आपका सेल्स भी जो है, बॉडी भी रिलैक्स होता है ना, वैसे ही ये जो चीज़ होते हैं जितने भी क्रीम्स होते हैं दे वर्क फास्टर एंड देन बेटर, क्योंकि रात को आप फेस भी नहीं टच कर रहे हो, धूल भी नहीं आ रहा है, मिट्टी भी नहीं आ रहा है, धूप भी नहीं आ रहा है, सो इट वर्क फास्टर। आप रात को लगाते वक्त आप जब न्यूट्रिशन क्रीम दे रहे हो ना, देन इट रियली रियली एब्जॉर्ब योर फेस। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अनफेडिंग ब्यूटी अनफेडिंग रेपुटेशन, इसका मतलब है आपका ब्यूटी जो भी है इट विल नेवर फेड। अगर आप 30 साल के हो या फिर आप 60 के भी हो तो 80 साल तक कभी नहीं जाओगे आप, उस एज में आपका उम्र रुक जाएगा। एंड ये न्यूट्रिशन क्रीम करने के बाद आप जब सुबह उठोगे एक हफ्ते में ही यू कैन सी योर चेंजेस। कंक्लूड में मैं बताता हूँ, अगर आप कैलकुलेट करते हो पर ml पर यूज के हिसाब से इट इज वेरी वेरी चीपर। एंड गारंटीड कि आपका ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, अनफेडिंग ब्यूटी। तो जैसे आपको टिप्स दिया वैसे आप प्लीज यूज करना, और रिजल्ट जो है आपको खुद देखेगा, दूसरे लोग आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मैं फिर से आऊँगा